पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र सप्ताह के इन दिनों में हम यीशु मसीह के दुख भोग, उनकी मृत्यु और उनके पुनरुत्थान पर विशेष रूप से मनन करेंगे। आज सोमवार पहले दिन हम यीशु मसीह को मारने के कारण के विषय में मनन करेंगे। फरीसी और शास्त्री क्यों ईसा मसीह के खिलाफ हो गए? तो पहला कारण जो हम मैथ्यू के सुसमाचार 9वें अध्याय के 1 से लेकर 8 तक ध्यान देते हैं, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ईसा मसीह अर्थांग रोगी को चंगा करते हैं और उसे ये कहते हैं कि तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं। और इसे देखकर, इसे सुनकर शास्त्रियों में से कुछ ये पूछते हैं, आपस में एक दूसरे बोलते हैं कि यह ईश निंदा कर रहा है। तो वो ईश निंदा का आरोप लगाते हैं क्योंकि उनके विश्वास के अनुसार सिर्फ और सिर्फ ईश्वर अर्थात यहोवा ही पापों को क्षमा कर सकता है और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। तो इसराइलियों के इतिहास में पहली बार एक मनुष्य दूसरों के पापों को क्षमा करने का अधिकार दिखा रहा है, तो इसलिए वो ईसा मसीह के खिलाफ हो गई। यह पहला कारण। दूसरा कारण हम देखते हैं लूकस के सुसमाचार 5वें अध्याय के 27 से लेकर 32 तक के वाक्यों पर देखते हैं। वहां पर हम ये देखते हैं कि ईसा मसीह लेवी नामक नाकेदार को चुंगी घर में बैठा हुआ देखते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे पीछे चलेगा। वो एक टैक्स कलेक्टर था और ईसा लेवी के घर में भोज में जाते हैं और वहाँ पर बहुत से उनके शिष्य भी और बहुत से लोग उसमें भाग लेते हैं। और इसे देखकर फरीसी और शास्त्री आपस में भुनभुनाते हैं और उनके शिष्यों से ये कह रहे थे कि तुम लोग नाकेदार और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो। तो दूसरा कारण था कि पापियों के साथ बात करना, उनके पास जाना, उनके साथ भोजन करना, उनके साथ मिलना जुलना, तो ये सब कुछ उनके लिए निषिद्ध था। यहूदियों के नियम के अनुसार पापियों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं करना चाहिए क्योंकि पापी हमेशा ईश्वर से दूर हैं। ईश्वर और ईश्वर के द्वारा चुनी हुई जनता इसराइल से उनका कोई भी नाता या रिश्ता नहीं है, लेकिन ईसा मसीह इस नियम को भी उनकी दृष्टि में तोड़ रहे थे। यह है दूसरा कारण। तीसरा कारण है मैथ्यू के सुसमाचार 12वें अध्याय के 9 से लेकर 14 तक के वाक्यों पर हम देखते हैं कि साबत के दिन ईसा मसीह रोगियों को चंगा करते हैं। तो साबत उनके लिए एक बहुत ही पवित्र दिन है और साबत के दिन कोई भी काम करने की अनुमति नहीं है। साबत के दिन ज़्यादा कोई व्यक्ति चल भी, उसे ज़्यादा चलने की तक अनुमति नहीं है, ज़्यादा वजन उठाने की तक की अनुमति नहीं है। तो इस प्रकार बहुत सारे नियम थे और ईसा मसीह उस नियम का भी उल्लंघन करते हैं। तो ये है तीसरा कारण। चौथा कारण था ईसा मसीह बहुत ही बड़े चमत्कार कर रहे थे, अद्भुत कर रहे थे, रोगियों को चंगा कर रहे थे और मृतकों को जिला रहे थे, खासकर लासर को भी, जो कि मरने के बाद, उसके 4 दिन के बाद जब उसका शरीर तक सड़ गया था, तब प्रभु आकर उसे जीवित करते, पुनर्जीवित करते हैं। तो ईसा की ख्याति चारों ओर फैल रही थी, वो बहुत पॉपुलर हो गए थे। तब वे आपस में फरीसी और शास्त्री एक दूसरे से बोलते हैं, यूहन के सुसमाचार 11वें अध्याय के 47 और 48वें वाक्य में, यदि हम उसे ऐसा करते रहने देंगे तो सभी उसमें विश्वास करेंगे और रोमन लोग आकर हमारा मंदिर और हमारा राष्ट्र नष्ट कर देंगे। तो ईसा मसीह की ख्याति से उन्हें डर था और वो नहीं चाहते थे कि रोमियो की नज़र इस पर पड़े और वो आकर हमारे राष्ट्र को और हमारे ईश्वर के मंदिर को तहस नहस कर दें। तो इस बात का डर भी उन्हें था
ईसा मसीह ख्याति और रोमियो का बैर मोलने का डर, ये सब कुछ उनके मन में आ रहा था। तो ये था चौथा कारण। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो हम देखते हैं वो है योहन के सुसमाचार 8वें अध्याय 55वें वाक्य में, और बहुत सारी जगह देखते हैं ईसा मसीह ईश्वर को आब्बा कहकर पुकारते थे। ईश्वर एकमात्र ईश्वर है और कोई ईश्वर है नहीं, वो पूरी तरह से इस बात पर विश्वास करते हैं यहूदी। और यहाँ पर ईसा मसीह ईश्वर को आबा कहकर पुकार रहे हैं। आबा ऐसा शब्द है जो कि सिर्फ खुद की औलाद ही अपने बाप को बुला सकती है। फादर बोलना, पिता बोलना तो बहुत से लोग जनरली ऐसा बोलते हैं, लेकिन पापा या अप्पा, ये सब आबा, ये सब सिर्फ खुद का बच्चा ही अपने बाप को बोल सकता है। तो ऐसा शब्द का इस्तेमाल ईसा मसीह कर रहे हैं आपा कहते हुए, जैसे कि वो पिता ईश्वर के खुद के बच्चे हैं। ये बात वो जानते हैं, लेकिन यहूदियों को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही और वो इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते कि ईसा मसीह यहोवा को पप्पा आबा कहकर पुकार रहे हैं। ऐसी हिम्मत, ऐसी जरूरत इसराइल के इतिहास में किसी ने नहीं की थी और कोई भी यहूदी अभी भी नहीं करता। किसी में भी ऐसी हिम्मत या जरूरत है नहीं। और ईसा मसीह जब ईश्वर को आबा कहकर पुकारते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम था, क्योंकि गैर यहूदियों जो कि बहुत सारे भगवान पर, ईश्वर पर भरोसा करते थे और ये लोग ये सोचते थे कि ईश्वर के पुत्र भी होते हैं, ईश्वर के द्वारा पैदा किए हुए पुत्र होते हैं, जिस प्रकार की हिंदू धर्म में सूर्य के पुत्र हैं कर्ण, इंद्र के पुत्र हैं अर्जुन, धर्म के पुत्र हैं युधिष्ठिर, वायु के पुत्र हैं भीम, अश्विन कुमार के पुत्र हैं नकुल, सहदेव। तो इस प्रकार के बहुत सारे विश्वास अन्य धर्म में, मजहब में पाए जाते हैं और पाए जाते थे उस जमाने में भी। तो इन सब से यहूदियों को बहुत डर लगता था, क्योंकि उनका पूरा विश्वास था कि ईश्वर सिर्फ एकमात्र ईश्वर, उसी ईश्वर का नाम है यहोवा और ईश्वर की कोई संतान है नहीं, ना हो सकती है, क्योंकि ईश्वर मनुष्यों की तरह नहीं है, ईश्वर आत्मा है, ईश्वर हम सबसे बहुत ऊपर है, हम तो उन्हें देख तक नहीं सकते। और इस अवसर पर ईसा मसीह कुछ ऐसा कर बैठे जो कि उन्होंने कभी सपने में तक नहीं सोचा था, वो ईश्वर को आबा कहकर पुकारते हैं। योहन 8:55 में ईसा मसीह कहते हैं कि तुम लोग अपना ईश्वर उसे कहते हो, और 54वें वाक्य में हम देखते हैं ईसा कहते हैं कि मेरा पिता मुझे महिमान्वित करता है। योहन के सुसमाचार 5वें अध्याय के 18वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं, यहूदियों का उन्हें मार डालने का निश्चय और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि वे ना केवल विश्राम दिवस अर्थात साबत का नियम तोड़ते थे, बल्कि ईश्वर को अपना निजी पिता कहकर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते थे। निजी पिता कहने का अर्थ है ईश्वर को आबा कहकर पुकारना। निजी पिता, अपने पिता को ही कोई व्यक्ति आबा या पापा कह सकता था। ईसा मसीह कैसे कर रहे हैं, कहने का अर्थ है कि ईसा मसीह खुद को ईश्वर मान रहे हैं और ईश्वर के बराबर होने का दावा कर रहे हैं। तो ये था सबसे महत्वपूर्ण कारण जिसकी वजह से वो ईसा मसीह को मृत्यु दंड देना चाहते थे। और छठा कारण है योहन के सुसमाचार 8वें अध्याय के 58वें वाक्य में ईसा मसीह यहूदियों से कहते हैं कि तुम अब्राहम को अपना पिता कहते हो, लेकिन अब्राहम के जन्म लेने के पहले से ही मैं विद्यमान हूँ। बिफोर एब्राहम वॉज आई एम, मैं विद्यमान हूँ। इस वाक्य का अर्थ है कि मैं यहोवा हूँ, यहोवा
नाम का अर्थ है मैं विद्यमान हूं, तो इसे सबसे बड़ी ईश निंदा मानी गई, क्योंकि वो अपने आप को यहोवा के बराबर कह रहे हैं। यहोवा ने जो अपना नाम बताया था वही ईसा मसीह अपने बारे में कह रहे हैं। अब्राहम के पहले मैं था ऐसा नहीं कहा उन्होंने, उन्होंने कहा अब्राहम के पहले मैं विद्यमान हूं, अर्थात यहोवा ने जो मूसा से निर्गमन ग्रंथ एक्सोडस 3 में कहा था कि मैं विद्यमान हूं, वही ईसा मसीह यहां पर कह रहे हैं। इसे सुनते ही वो सब घबरा जाते हैं और बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, और ईसा मसीह को अपना शत्रु मानते हुए सबसे बड़ी ईश निंदा का आरोप उन पर लगाते हैं। सातवां कारण है ईसा मसीह मंदिर में बिक्री करने वालों को निष्कासित करते हैं। योहन के सुसमाचार 2:13-17 तक हम के वाक्यों पर हम पढ़ते हैं कि ईसा मसीह ईश्वर के मंदिर में प्रवेश करते हुए वहाँ पर बैल, भेड़े, कबूतर बेचने वालों को और मेज़ों के सामने बैठे हुए लोगों को देखकर उनके सब सिक्के इधर उधर छितरा देते हैं, मेज़ें उलट देते हैं और भेड़ों, बैल, बकरियों को सब रस्सियों का कोड़ा बनाकर उससे मारते हुए उन सबको भगाते हैं। कबूतर बेचने वालों को भी वो पटकार लगाते हुए कहते हैं कि यहाँ से सब कुछ हटा ले जाओ, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। तो ये भी एक कारण था, क्योंकि जैसा कि हमने कल देखा था ईश्वर के मंदिर में एक बड़ा व्यापार और भ्रष्टाचार चल रहा था, जहाँ पर लाखों और करोड़ों की संपत्ति इनके जेब में जा रही थी महायाजकों के, तो ये सब कुछ उनके लिए नुकसानमंद भी था, इसलिए भी वो ईसा मसीह के विरोधी बन जाते हैं। और आठवां कारण जिसे कि हमने कल जिस पर हमने मनन किया था योहन के सुसमाचार 12:12-19 तक के वाक्य पर, यरूशलेम में ईसा एक राजा की तरह प्रवेश करते हैं, गधे पर सवार होकर आते हैं, लोग जैतून की डालियां लेकर उनका स्वागत करते हैं, उनके रास्ते पर अपने कपड़े बिछाते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हुए होसाना कहते हैं, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, धन्य इसराइल के राजा। तो ईसा मसीह को इसराइल के राजा कहकर पुकारते हैं। तो ये सब कुछ देखकर वह परेशान हो जाते हैं कि ईसा मसीह खुद को मसीहा बता रहे हैं। पुराने नियम में जिसकी प्रतीक्षा की गई थी, दाऊद के पुत्र अपने आप को मसीहा की रूप में ईसा मसीह प्रेजेंट कर रहे हैं, और इसलिए वो 19वें वाक्य में कहते हैं कि देखो सारी दुनिया उसके पीछे चल पड़ी है। तो इस बात से वह बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि ईसा मसीह अपने आप को इसराइल का राजा घोषित कर रहे हैं, और यही कारण वह रोमियो को भी बताते हैं और उनसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे सिर्फ और सिर्फ एक ही राजा है, सीजर चक्रवर्ती, रोमन चक्रवर्ती ही हमारे राजा हैं, उनके अलावा और कोई राजा हमारा है नहीं। लेकिन ये व्यक्ति अपने आप को राजा घोषित करते हुए राजद्रोह कर रहा है। तो राजद्रोह उस जमाने में बहुत ही बड़ा अपराध था, जिसका दंड मृत्यु दंड था, क्रूस पर टांग दिया जाना। क्योंकि रोमियों के अधीन रहने वाले यहूदी अपने बल पर ईसा मसीह का वध नहीं कर सकते थे, उनके पास ऐसा अधिकार था नहीं, इसलिए वह रोमियों को भी अपने पक्ष में लाते हैं और उनसे ये बात बताकर सिद्ध करते हैं कि वो अपने आप को इसराइल का राजा घोषित कर रहा है, और यह बड़ा राजद्रोह है, जिसके कारण रोमी भी ईसा के खिलाफ हो जाते हैं और ईसा को मृत्युदंड के लिए राजी हो जाते हैं। तो ये सब हैं आठ कारण जो कि खास रूप से हम सुसमाचार में देखते हैं। लेकिन इन सब के पीछे कारण क्या था, मैथ्यू के सुसमाचार 27:18 वाक्य में हम पढ़ते हैं, पिलातुस ये समझ जाता है कि फरीसी और शास्त्री
ईसा को ईर्ष्या के कारण मारना चाहते हैं, इस बात को वो समझ जाता है, वह हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ईसा मसीह से उनको बहुत बड़ी ईर्ष्या थी कि लोग सब ईसा मसीह के पीछे जा चुके हैं और उनकी अब कोई नहीं सुन रहा है, उनकी लीडरशिप खतरे में है, उनकी बात से ज़्यादा लोग ईसा मसीह की बात को मान रहे हैं। मूसा के द्वारा दिए गए नियम जिसकी बदौलत हम इन लोगों पर अपनी हुकूमत चला रहे हैं और अपने आप को सच्चा मान रहे हैं, ईसा मसीह उन्हीं नियमों को तोड़ रहा है और सब ईसा मसीह की बात को मान रहे हैं, जो कि हमारे मजहब हमारे धर्म के बिल्कुल खिलाफ है। बहुत सारी बातें जो ऐसा वो कर रहा है, तो ये सब बातों से वो बहुत परेशान थे और उन्होंने ईसा मसीह से ईर्ष्या की। इसी के कारण वो एक न एक वजह ढूंढ रहे थे ईसा मसीह के वध की। तो आज के दिन हम यही इन बातों पर मनन करें और हम अपने जीवन में भी सोचें कि हम दूसरों को नापसंद क्यों करते हैं। क्या उनकी खामियों की वजह से करते हैं या हमारे मन में उनके प्रति ईर्ष्या है? हम नहीं चाहते कि दूसरे हमसे आगे बढ़ें, प्रगति करें, क्या इस कारण हम दूसरों के खिलाफ जा रहे हैं? तो इन सब विषय पर हमें मनन करना है और दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी है, दूसरों को समझने की कोशिश करनी है, दूसरों के प्रति एक प्रेम का रवैया हमें लाना है और दूसरों के साथ मेल मिलाप से जीने की कोशिश करनी है। आए इन दिनों में हम ईसा मसीह के जीवन, दुख, भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान पर दिन और रात ध्यान करें, मनन करें और कोई भी विषय से ज़्यादा चिंतित ना रहें हम। हमारी तकलीफें, हमारी बीमारियां, सब कुछ हम भूल जाएं। इस एक हफ्ते, पवित्र सप्ताह सिर्फ और सिर्फ ईसा मसीह के अंतिम 3-4 दिनों के बारे में हम सोच विचार करें। ईश्वर आपका अनुग्रहित करें। आमीन।